हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड वर्ग 8 के स्टूडेंट तो मैं आज आप लोगों के लिए सेट 1 एक हिंदी का पेपर लेकर के आ चुका हूं। और आज से मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस लेकर के आता रहूंगा, जो कि आप लोग के क्लास 8 के परीक्षा तक आता रहेगा। अगर आप इन सारे वीडियोज़ को अगर आप पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ामिनेशन काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस को रखे गए हैं। ये सारा मॉडल प्रश्न पत्र है, इसी तरह का प्रश्न पत्र आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। और साथ ही आप लोग किसी भी बोर्ड से हों, चाहे वो आप लोग बिहार से हों या बिहार के बाहर से देख रहे हों, फिर भी आप लोग के एग्जामिनेशन में ये काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये है पहला पाठ आप लोग का हिंदी का, जिसका नाम है तू जिंदा है। तो इसके कवि है शंकर शैलेंद्र, और इसका हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुसीबत का। ठीक है, चमन का अर्थ क्या होता है? तो चमन का अर्थ होता है फुलवारी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर अब हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है तू जिंदा है तो द्वारा रचित पाठ है, तो ये है आपका शंकर शैलेंद्र, यानी किनके द्वारा रचित पाठ है? तो शंकर शैलेंद्र के द्वारा। अगला है कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? तो स्वर्ग को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करते हैं? तो जमीन पर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो कौन सी कविता गहरे जीवन राग को उत्साह को प्रकट करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तू जिंदा है तो। अगला है हमारे कारवां को किसका इंतजार है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंजिलों का। अगला हम लोग देखेंगे तो गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये पंक्तियाँ किस कविता की है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा डी, यानी तू जिंदा है तो। अगला हम लोग देखेंगे तो बुरी है आग पेट के बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये हो जाएगा, इसके कवि के बारे में पूछ रहा था, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकर शैलेंद्र। आगे की ओर अब हम लोग देखेंगे तो अगला आता है यहाँ पर तू जिंदा है तो जिंदगी की डैश में यकीन कर, तो यहाँ पे हो जाएगा विजय या जीत में यकीन कर। अगला है बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के डैश, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, है ना? तो यहाँ पे दिल के, यहाँ पे इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दाग भरा जाएगा। अगला है नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नहीं डैश, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो इसमें आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बी, यानी कि उमंग। अगला है तू जिंदा है तो डैश कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कभी क्या गुजर जाने की बात करते हैं, तो कष्ट और जुल्म को। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है तू जिंदा है तो कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कठिनाइयों को भूल करके लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और इसी से रिलेटेड आप लोग का बहुत सारा अभी जो है मैं हिंदी का पहले अपलोड कर दूंगा, उसके बाद फिर अंग्रेजी, फिर मैथ, इस तरह से साइंस सारा विषय का आप लोग का इस तरह से डाला जाएगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे वेबसाइट www.ssclasses.com पर भी जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी डेली का डेली अपडेट किया जा रहा है आप लोग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।